जो नेक्स्ट है वो है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी को डिफाइन किया गया, ब्लैक बॉडी का परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ही बात है, एक ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो नाइदर रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की क्या है, वन, पर ये एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने बताया ये इमेजिनरी है सिर्फ। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फेरी, ये कहता जी मैं बनाऊंगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी, बन नहीं सकती, पर 98% उसने एक्यूरेटली बनाई। उसने क्लोज्ड ये ग्लास ले लिया, अंदर मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, बहुत शाइनी सरफेस है, उसको बंद कर दिया, इतनी छोटी ओपनिंग की कि आप उसको एनर्जी एंटर तो करवा सकते हैं, बाहर निकले की जगह नहीं है, आप एंटर करवाते जा रहे हैं। अब ये एनर्जी अंदर जाती है, रिफ्लेक्ट होके आती जा रही है, लैम्प ब्लैक कोटिंग है, एब्जॉर्ब होती जा रही है, या तो कई बार इसमें गिवन होता है मिरर भी होता है, कई बार कोटिंग ब्लैक बिल्कुल काली कोटिंग की होती है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती जा रही है और कुछ रिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो देख रहे हो अंदर ही अंदर एनर्जी दे रही, तो जो भी एनर्जी दे रहे हो अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन देखो ये कुछ ना कुछ तो गर्म हो ही जाएगा, इसकी बॉडी कभी ना कभी तो गर्म होगी, लेकिन मटीरियल ऐसा यूज किया हुआ है जो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है और हीट इसमें कम प्रोड्यूस हो रही है, रेडिएट कम कर रही है, तो कुछ हद तक ब्लैक बॉडी बनाने का ट्राई किया गया इस फेरी ने किया।